नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया के बारे में दो टॉपिक पे बात करेंगे। नई साल शुरुआत हो चुकी है 2022 की। जी हाँ, नए साल में रिस्पॉन्सर बदलने का तरीका, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि आप किस तरह से, अगर आपको पहले वाले जिस नियुक्ता जो आपका रिस्पॉन्सर है, जिसने वीज़ा दिया है, जिस कंपनी में है वहाँ पर नहीं काम करना चाहते हैं, तो आप किस आधार पर जो बदल सकते हैं। जी दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि भाई आपका अभी आप जैसे किसी वीज़ा में जा रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सर है ना, जिसने वीज़ा दिया है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे आपका घरेलू वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तो वो मालिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या कंपनी का कोई मैन मालिक जिम्मेदार आदमी हो सकता है, रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आना होगा। जी हाँ, इस दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर क्या अपडेट नहीं आई है, आप लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी होगी तो आपको पता रहेगा, ताकि आपके साथ ऐसी कोई मुसीबत आए तो आप खुद अपने आप को सावधान कर सके। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, सऊदी अरबिया में आपको पता है साथियों, सरकार ने एक समिति है, मानव तस्करी रोकथाम समिति। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में बताया कि आप वर्करों के साथ में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ना इंसाफी नहीं होगी वर्करों के साथ में। सऊदी अरबिया में मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट एक बंदे का बार बार वीडियो आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सर 3.5 साल हो गए सऊदी अरबिया में रेस्टोरेंट में बंदा काम कर रहा है, लेकिन उसको घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है, यानी वो जो नियुक्ता है वो ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको भेज नहीं पा रहा है। तो ये सब मानव तस्करी के आरोप लगेंगे उनके ऊपर सीधे सीधे। मानव तस्करी में क्या क्या आएगा, ये आपको एक जानने की ज़रूरी होगी। अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, जी हाँ, वहाँ पर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, आपके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, आपका शोषण किया जाता है, आपका पासपोर्ट जब्त किया जाता है, जी हाँ, या आपके साथ में अग्रीमेंट में प्रॉब्लम होती है, वीज़ा कैंसिल कर देता है, वीज़ा दोबारा रिन्यू नहीं करते हैं, उसके बावजूद आपको वहाँ पर रखते हैं, बाहर निकलने से, अगर आपका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद आप घूमने जाना चाहते हैं, बाहर निकलने से रोकना, ये सब चीज़ें, आपको मेडिकल सुविधा नहीं मिलना, आपके इंश्योरेंस नहीं करवाना, आपको मकान रहने के लिए अच्छी क्वालिटी का नहीं देना, ये सब चीजें, समय पे छुट्टी नहीं देना, तनख्वाह नहीं देना, ये सब चीजें मानव तस्करी में डाल दिया है। जी हाँ, और मानव तस्करी में अगर डाल देता है तो भैया मुकदमा अलग तरीके से लगेगा, सजा भी अलग तरीके से होगी। जी हाँ, ये नियम किन के ऊपर लागू होंगे, आपके रिस्पॉन्सर पे, यानी आपका जिनने आपको वीजा दे के वहां तक बुलाया है। जी हाँ, उसमें लगभग आप समझ सकते हैं सऊदी रबाब है भाई, उनके लगभग उनके खिलाफ में ये कानून बना है, आपके पक्ष में ये कानून बना है, ताकि वो आपके साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकें। जी हाँ, सऊदी अरबिया में देखा है भाई, सऊदी अरबिया में बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप घरेलू नौकर काम में जा रहे हैं तो आपको 24 घंटे की ड्यूटी होती है, बाहर आप जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको पासपोर्ट वो रख लेते हैं, समय पर तनख्वाह, कुछ गलती कर देते हैं, डांटना फटकारना या फिर उनको गलत भाषा का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें हैं ना, एक अलग ही एक कानून बना के मानव तस्करी में डाल दिया। मानव तस्करी कानून अलग तरीके का होता है, आपको बताया, मतलब एक मानव का आपने तस्करी का मतलब समझते हैं, उसका उसको उठा लिया, एक तरह से अपहरण कर लिया, अपहरण अलग धारा लगेगी ना, तो ये जो आपको रिस्पॉन्सर करने वाले हैं ना, उनको भी फिर डर लगेगा कि भाई, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको इन चीज़ों को सावधानी बरतें और सतर्क रहें। बाकी ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, सेकेंड नंबर पर बात कर लेते हैं कि भाई आप जैसे मान लो वीज़ा आ रहा है आपका, तो वीज़ा पहले क्या होता था कि आपको वीज़ा किसी ने भेज दिया, एयरपोर्ट पे कोई लेने के लिए आ रहा है, वो आपका पासपोर्ट जब्त कर लेता, या फिर आपको लेके जाना था होटल के जॉब में, आपको अलग कहीं लेके पटक दिया वहाँ पे बकरी चराने के लिए, देखा होगा यार आपने, सबने आपको पता होगा, आपका अग्रीमेंट यहाँ से आपने इतनी पगार लेके गई, वहाँ पर पगार चेंज हो जाती है, या फिर जॉब चेंज कर देते हैं, पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, अलग जगह डाल देते हैं, ये सब प्रॉब्लम को रोकने के लिए। जी हाँ, सऊदी जो मानव तस्करी रोकथाम समिति है, उन्होंने साफ साफ एक कानून बना दिया कि भाई अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, आपके थ्रू किसी भी देश से कोई बंदा सऊदी में पहुंचता है, तो आपको खुद को एयरपोर्ट पे जाना होगा लेने के लिए, और उनका वहां पे पूरा रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है, इमिग्रेशन में तभी बंदा क्लियर करेंगे, तब वो लिखित में देंगे कि हाँ ये नाम, ये पोस्ट के लिए जा रहा है, इसकी इतनी तनख्वाह, इसको मैं लेके वहां जाऊंगा, और आपकी आईडी होती है, तो यानी एक पहचान बन गई ना एयरपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कि ये बंदा इसके साथ में यहाँ जा रहा है, यानी वो बंदा एक तरीके से कानून की नज़र में आ चुका है, आपके साथ गलत नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी
इसी सब को रोकने के लिए, अगर कंपनी में आप जा रहे हैं तो कंपनी में कंपनी खुद मालिक तो नहीं आ सकता, लेकिन उसका जिम्मेदार आदमी आएगा, वो आपको वहां तक लेके जाएगा। अगर आप घरेलू नौकर के जॉब में जा रहे हैं, घरेलू जॉब में, तो आपका रिस्पॉन्सर है वो आपको लेके जाएगा और वहां पर पूरी फॉर्मेलिटीज करेगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कि भाई ये मैं इस बंदे को इस काम के लिए बुला रहा है, ये पूरा सिस्टम तामझाम है, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे हम बात करें कि भाई आप रिस्पॉन्सर कैसे बदल सकते हैं, यानी आपका जी भर गया भाई इसके पास काम नहीं करना, तो इसका कैसे आप रिस्पॉन्सर चेंज करेंगे, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप मान लीजिए किसी के पास काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, अब ये तो मनमर्जी तो नहीं चलेगा, समझ गए, इसके लिए भी आप रिस्पॉन्सर, ठीक है सरकार ने नियम बनाया था 2020 में, लेकिन ये 2022 से लागू, 2021 में बनाया था, 2022 से लागू हो गया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। एक तो शायद आप सऊदी में लोग रहते होंगे, अब शेयर शायद ऐसे कुछ एक ऐप आता है, जी हाँ उर्दू वर्ड है, आप अपने स्तर पे ट्राई कर लेना, उसमें आपको अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जी हाँ, उसमें फिर आपको अपने OTP आएगी आपके मोबाइल पे, उसमें डालेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होता है तो उसमें आप ओपन जैसे करोगे तो उसमें आएगा माई सर्विस, जी हाँ, अब माई सर्विस में आपको ओके करना है, फिर आपको उसमें आएगा पासपोर्ट, पासपोर्ट लिखा हुआ नाम आएगा तो उस पर आपको क्लिक करना है, जी हाँ क्लिक करोगे तो उसमें आएगी सर्विस, सर्विस का मतलब ट्रांसफर अप्रूवल, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ओके हो जाएगा, जी हाँ, लेकिन ये होगा कब, तब आपका जो पहले का जो रिस्पॉन्सर है, जो कंपनी है जिसके पास आप काम कर रहे हैं, उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, यानी वो यस करेगा, वो ट्रांसफर करने को तैयार है, तभी आप ट्रांसफर हो सकते हैं, जी हाँ। अगर ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको मान्यता रिसीव्ड होने में, अप्रूवल होने में 7 दिन का टाइम लगता है। अब आप मान लीजिए मेरे पास काम कर रहे हैं, आप मेरे काम से संतुष्ट नहीं है, या संतुष्ट नहीं है, टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसकी या तो शिकायत करनी पड़ेगी पुलिस में, ठीक है, या फिर उसके खिलाफ में आपको जाना पड़ेगा, या फिर कई बार क्या होता है कि आप मेरे पास काम कर रहे हैं, 20 बंदे मेरे पास काम नहीं है, मैं आपको समय पे तनख्वाह नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे आपका वीज़ा रिन्यू नहीं करना है, तो मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है आप यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ और आप किसी दूसरी जो कंपनी में जॉब कर लें, तो ये प्रोसेस ईजी है। बाकी इसका जो प्रोसेस करने से पहले जो आपका रिस्पॉन्सर है उससे आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी नॉर्मल तरीके से। हाँ एक वो अलग कहानी हो जाती है, वो मारता पीटता, समय पर तनख्वाह नहीं देता, आपका केस चल रहा है, तो वो एक इजीली उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, रोज इसी तरीके वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ।